I remember the bad days. Do you? मेरे लेके लास फैमिली चु उठे आठल वर्ष पूर्णा तेई साल दी है जिंदगी काट दिती कोई जनूना मारा टाइम मेरे उत्ते लेख गए नहीं सी हामी पते जाक गड्डियां हुने काली रेंज दा नहीं दे पिछा कते सच्चे जनूआ सलूट उस रब नू जिने गरूर पन्या यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड मिनेरा बैक अगेन गाइस जो पहली बार मेरे चैनल पे आए पहली बार वीडियो देख रहे हैं गाइस मैं कोई भी कंपनी की पेड मार्केटिंग नहीं करता हूं जो भी प्रोटीन की वीडियो मैं डालता हूं पहले उसको लैब टेस्ट पे भेजता हूं उसके बाद मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूं। लास्ट टाइम का पोल क्रिएट हुआ था उसके अंदर लोगों ने कहा था ये माई फिट फ्यूल कंपनी का प्रोटीन है इसको लैब टेस्ट पे भेजो, इसकी रिपोर्ट आ गई है तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। जी हाँ, और थोड़े टाइम हो गया वो जो बंदा भी वीडियो देख रहा होगा भाई ये है प्रोटीन जो कि मैं उस बंदा नाम मैं भूल गया नाम क्या था सूरज नाम है बंदे का उसको ये गिव अवे का प्रोटीन मैं दे रहा हूं। उसने जो लिखा था वो एक्यूरेट ही था लगभग तो ये प्रोटीन उसको जाता है भाई ये लास्ट था इसके बाद मैं कोई गिव अवे नहीं करने वाला हूं। क्यों यार तुम लोग आपस में लड़ने लग जाते हो और आपस में थोड़ी बहुत क्या होता है यार अभी साथ चलने का टाइम है तुम आपस में लड़ते रहोगे यार उसको दे दिया इसको दे दिया इसलिए ये चीज मैं बीच में लेके नहीं आता हूं इसलिए लोगों की लड़ाई नहीं होगी। जी हाँ, तो इसके बाद मैं कोई भी गिव अवे नहीं करूंगा ये लास्ट था तो एक बार दिखा दिया ये है बंदा तुम्हें पता कौन है सूरज नाम है कहीं का उसको जाएगा ये प्रोटीन। जी हाँ, ये भी लैब टेस्ट पे भेज दिया है मैंने तो ये रखा हुआ है मैंने इसकी रिपोर्ट आती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े दिनों बाद मेरे क्या एक दो दिन बाद दिखा दूंगा इसकी रिपोर्ट में आपको। सो ये जो वीडियो है ये इसके रिगार्डिंग है माय फिट फ्यूल। वीडियो स्टार्ट करते हैं माय फिट फ्यूल। जी हाँ, अब क्या है ये जो है कंपनी ये आपका इंडियन ब्रांड है। जी हाँ, अब इसके अंदर क्या क्या अच्छा है क्या क्या बेकार है उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले दिखा देता हूं स्कूप साइज कितना है 32.8 का है। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई हुई आपको दिखाता हूं एक वहां पे देख लो जाके। देख लिया स्कूप का स्कूप साइज जो आया था वो आया था 41 और उसमें से वेट हटा दो स्कूप का वो है 8 तो 41 में से आ गया कितना बचा ये बचता है 33। जी हाँ, तो स्कूप साइज में गड़बड़ नहीं है ठीक है स्कूप साइज सही है बिल्कुल पेटी के लगा देते हैं। जी हाँ, और ये लैब टेस्ट मैं लैब टेस्ट लिखा नहीं है आज क्योंकि क्या होता है मेरी वीडियो स्टार्ट नहीं होती तुम पहले बोर्ड पे देखने लग जाओ कि भाई ने वहां लिख रखा होगा लैब टेस्ट की कितनी रिपोर्ट आई है। इसके अंदर 22.6 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा फैट 1 ग्राम मिलता है और कार्ब आपको 3.9 ग्राम मिलते हैं। जी हाँ, जो चीज इस कंपनी की अच्छी लगी है मेरे को वो क्या है इन्होंने लेबलिंग बहुत अच्छे से करी हुई है। जी हाँ, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके अगर इसका होता है लैब टेस्ट उसके अंदर ड्राई बेसिस जो इनका आएगा उसके अंदर आएगा 24.2 आपका क्या प्रोटीन और दूसरा एजिस पे होगा आपका टेस्ट तो उसके अंदर आएगा 22.6 ठीक है भाई। अब मेरी रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ मैंने जो टेस्ट मेरे होते हैं सारे वो सारे के सारे एजिस बेसिस पे होते हैं वो टेस्ट में ड्राई बेसिस पे नहीं कराता हूं। जी हाँ, उसके अंदर मेरा जो आया है वो आया है 69.8। अब 69 आपने देखा वो सोच रहा है तो कम आ गया नहीं ये कम नहीं आया भाई 22.8। जी हाँ, 22.8 आया जो इनकी कंपनी क्लेम करती है वो है 22.6 तो ये पहली बार आया कि मेरी रीडिंग और इनकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो गई है तो 22.6 कंपनी लिखती है ये जो प्रोटीन इनका बिल्कुल 100% एक्यूरेट है इस पर लग जाता है हरा रंग से टिक। सो भाई ये जो प्रोटीन है लैब टेस्ट में तो पास हो गया तो थोड़ी सी तालियां बजा देते हैं इसके लिए। लैब टेस्ट में पास हो गया अच्छा लगा है कि इनकी कंपनी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इनका ड्राई बेसिस है उसके अंदर थोड़ा प्रोटीन आपको
ज्यादा मिलता है। और दूसरे प्रोटीन भी देखे होंगे आपने, उसके अंदर क्या होता है कि वहां लिख देते 24 ग्राम प्रोटीन 25 ग्राम प्रोटीन। क्या होता है, जो चॉकलेट का फ्लेवर होता है उसके अंदर थोड़ा सा कोको पाउडर डालते हैं, जिससे जो होता है कंटेंट जो होता है प्रोटीन का थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि और कंपनियां मेंशन नहीं करती है, इन्होंने साफ साफ मेंशन करा है, तो इसके लिए अच्छा है। जी हाँ, तो भाई अब बात हम कर लेते हैं मिक्सिबिलिटी की। मिक्सिबिलिटी में भी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी मिक्सिबिलिटी है, थोड़ा सा ही शेक करना पड़ता है आपका मिक्स हो जाता है। और भाई टेस्ट भी बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी अभी तक कोई कमी मेरे को नहीं लगी हुई है, 3-4 दिन से यूज कर रहा हूं। जी हाँ, तो टेस्ट में भाई 5 out of 5 है, मिक्सिबिलिटी में भी 5 out of 5 है। भाई बात इसके प्रोटीन कंटेंट की, उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली 5 out of 5 ये ले जाता है। अब इसकी बढ़िया है, अब इसका मेरे को नेगेटिव कुछ मिल नहीं रहा है, अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको जरूर अपडेट मार दूंगा। अभी तक की रिसर्च में मेरे को ऐसा कुछ अभी तक इसका नेगेटिव मिला नहीं है। जी हाँ, तो बात करते हैं अभी तक के हमारे जो भी टेस्ट हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये एज इट इज का टेस्ट हुआ था, ये सिक्रोटोन भी हुआ था, ये मसल ब्लेज भी हुआ था, और ये टफ अप भी कराया था। जी हाँ, तो अभी तक के ये जो भी टेस्ट हुए हैं उसके अंदर से ये माई फिटफुल जो है वो सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, बोतलों फोर्स करे भैया टॉप 5 प्रोटीन की लिस्ट बनाओ, उसके अंदर टॉप 5 ब्रांड बताओ, ये बताओ वो बताओ, तो भाई क्या है टॉप 5 प्रोटीन की लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर इसकी पहली एंट्री होगी। जी हाँ, अभी 4 प्रोटीन और ऐड कर देंगे लास्ट में, उन 4 में से लास्ट के 2 सबसे बढ़िया निकाल लेंगे, फाइनल सेमीफाइनल कर देंगे। जी हाँ, तो ये है भाई माई फिटफुल प्रोटीन का रिव्यू। मेरे को इसके अंदर अभी तक कोई डाउट लगा नहीं है, डाउट लगता है तो आपको मैं जरूर अपडेट कर दूंगा। तो बहुत लोग पूछ रहे थे रिकमेंड करो, तो अभी तक की रिकमेंडेशन में यही है। सो भाई इसके बाद वाली वीडियो आपको पता है इसी के ऊपर होने वाली है, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि मैं भगवान से भी दुआ कर रहा हूं भाई इसके अंदर 17-18 ग्राम तो निकल गया है, क्योंकि तो यार मेरा मन नहीं है इस प्रोटीन की फिर से गालियां वालियां देने का, मेरे से कंट्रोल होगा नहीं। अगर फिर से इसमें 8-9 ग्राम कुछ निकल गया है ना यार, मेरा तो टेम्पर लूज हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मतलब लोग पता नहीं क्या दे रहे हैं यार, सर वीडियो डालने लग रहे हैं, जहां जाने लग रहे हैं, सबको गिफ्ट दे रहे हैं, ये लग क्रूड में गिफ्ट में दे रहे हैं यार। मतलब ये तो वही बात होगी कि जैसे दिवाली चल रही है, ठीक है, और जो तब दिवाली के टाइम पर सोन पपड़ी गिफ्ट में आ जाए सबके, सब शक्ल पे तो कर देंगे अरे भैया जी क्या बात है गिफ्ट दे के जा रहे हो, और उसके जान के बाद अरे ये तो सोन पपड़ी दे गया है तेरी की, वो दे गया सोन पपड़ी, तो यही हाल इस क्रूड वे का लग रहा है मेरे को। सामने का बंदा हो जाता है कुछ, अरे भैया अच्छा आप आए हो सर, आओ गिफ्ट दो, अरे भैया प्रोटीन दिया क्या बात, उसके जान के पीछे रहे तो वही है 11 ग्राम वाला, अरे के दे गया। तो भी ये मेरा किसी कंपनी से कोई पर्सनल इश्यू नहीं है कि यार ये क्या है, तुम्हें जो बेचना है बेचो यार, मेरा काम देख बस इतना, थोड़े बहुत लोगों के पैसे बच जाए, 11 ग्राम ना लो प्रोटीन यार, 18-19 भी आ जाना जब भी यूं है कि चल कुछ मिल गया, 11 ग्राम तो बहुत चीप हो जाता है यार। और भाई दूसरी अपडेट ये है कि इंस्टा पे जो मैसेज भेज रहे हैं डाइट भेज दो ये भेज दो, यार भेज रहा हूं लेकिन बिल्कुल एकदम से 150 बंदों को रिप्लाई नहीं कर सकता मैं, तो मैसेज लिख के छोड़ दो, तुम्हें मैक्सिमम 1-1.5 दिन के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा, और जिन लोगों के रिप्लाई 2 दिन तक नहीं आए हैं वो फिर एक बार और मैसेज भेज दो, क्योंकि वो मैसेज पे लिस्ट में नीचे चले जाते हैं, मेरे को मिलते नहीं है, तो तुम 2 बार भेज दोगे वो मैसेज ऊपर आ जाएगा, फिर मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। मैक्सिमम 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन में नहीं आता रिप्लाई तो फिर लिख के भेज दो भाई रिप्लाई नहीं करा तूने, फिर वो ऊपर आ जाएगा मैसेज, फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। सो भाई ठीक है, जिस विनर ऑफ साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंजॉय, इसके बाद वाली वीडियो इसके ऊपर होने वाली है, तो आपको बताते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। बाकी फिर से ट्रेंड में आ गया है, लोगो गिफ्ट विफ्ट में जाने लग रहा है। चलो ओके, दिस इज योर फ्रेंड विनर ऑफ साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंजॉय, एश करो। कूड़ेदान विच पाके रखा सोच उना दी, जेड़े साड़ी कामयाबी तो सारे नहीं आउंदे आ।